तो पिछले वाले को याद होगा एक नेक्सोमॉन ने हमें रोक लिया था भाई। उस नेक्सोमॉन को उसके फ्रेंड्स को ढूंढना था, उसके सारे फ्रेंड्स को हमें ढूंढ के उस तक पहुंचा दिया था भाई। लेकिन यार उस लास्ट में उनको खाया या फिर क्या किया पता नहीं भाई, वो उनको खाना तो चाहता था ऐसा बोल रहा था वो, पता नहीं भाई सब क्या ही हुआ। तो चलो भाई कोई बात नहीं गाइस, अभी हमने उसके सारे फ्रेंड्स को हमने उसको तक पहुँचा दिया है भाई। और हाँ गाइस माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मॉस्ट्रम 2 की वीडियो मैं डालना तो चाहता हूँ भाई, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है गाइस, तो थोड़ा बिजी हूँ गाइस, एग्जाम्स भी है। तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, आज मेरा एग्ज़ाम है गाइस, अभी देखना पड़ेगा यार। पाँच बार पोस्टपोन हो चुका है, मतलब पाँच बार पोस्टपोन हो चुका है, देखना पड़ेगा अभी क्या होता है, सुबह जाके पता चलेगा। सुबह मतलब अभी ये वीडियो देख रहे हो तो अभी मैं जा चुका हूँ। चलो जी, तो चलो गाइस फिलहाल के लिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी आज के दिन हमें जाना है और अपने वार्डन को चैलेंज करना है गाइस। तो चलिए गाइस बिना देरी के चलते हैं, यहाँ पे लड़के ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ओ भाई थोड़ा अच्छा तो लग रहा है लेकिन अभी इन सब का वक्त नहीं है गाइस, अभी इसको भेजते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया गाइस, डैमेज देख रहे हो कितना ज़्यादा मिल रहा है। ओ भाई सब बहुत बढ़िया गाइस। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए तो हम अपना सफर आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ यहाँ जाना है ना। चलो जी, तो गाइस अभी यहाँ क्या हमें वार्डन को नहीं मिलेंगे गाइस, वार्डन को मिलना पड़ेगा हमें विंड चैंपियन जो है ना विंड, तो उसको हमें आज़ाद करना है गाइस। चलिए जी यहाँ से भी उतरते हैं भाई, कितने ज़्यादा गाइस ये थोड़ा मैप बड़ा है ना, मतलब ये विंड वाले का थोड़ा सा बड़ा है गाइस अगर आप देखोगे। अरे यार हो गाइस गाइस देखने में तो बढ़िया लग रहा है गाइस, लेकिन हम इसको पकड़ नहीं सकते भाई क्योंकि अभी एक मार मारेंगे तो ये मर जाएगा गाइस। चलिए मैं ऐसे ही पकड़ने की ट्राई करता हूँ, एक एक बार आ जाते हैं जैसे ही आ जाते हैं नॉर्मली, तो देखते हैं पकड़ने की ट्राई करता हूँ, अगर आ जाता है तो उसको रख लेंगे। आ सकता था गाइस, नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं है इसके अगर हेल्थ रिड्यूस नहीं करोगे तो भी आ जाते हैं कभी कभी, तो बस आपको ट्राई करना होता है। चलो जी फिर एक बार ट्राई करता हूँ, आता है तो सही गाइस, नहीं आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा सफ़र अभी बहुत बड़ा है, सबसे पहले तो आज हमें अपने विंड चैंपियन को हराना है। चलो जी ये नहीं आएगा कोई बात नहीं गाइस, हमारा हाई लेवल है यार वरना इसको पकड़ लेता हूँ। चलो जी कोई बात नहीं, डैमेज करेगा इसीलिए हम इसको तेरे भैंस के निकल। चलो जी तो कोई बात नहीं गाइस, वो नहीं आया कोई बात नहीं है, थोड़ा नेक्सोनियम पड़ा है इसको पहले ले लेता हूँ गाइस। चलो जी बहुत बढ़िया, तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए। तो भाई साहब कितना बड़ा है ये मैप, अबे यार खत्म हो गया। ओहो गाइस ये रही, अबे इसको क्या हुआ भाई, ये कुछ वियर्ड है गाइस। ओह गाइस ओ चलो जी वार्डन, अगर शायद से वार्डन नहीं इसकी हल्की है गाइस। तो गाइस ये देख रहे हो ना सामने, ये हमें प्रिजनर बना चाहती है गाइस, मतलब ये इसको मारेगी और हमको प्रिजनर कर देगी भाई। अबे यार इसके मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे गाइस। ओ भाई साहब, तो चलो भाई इसको तो हराना पड़ेगा। अबे यार ये बहुत डिफरेंट है यार, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा एग्जाम। चलो जी कोई बात नहीं गाइस, तो गाइस हमें इसको हराना ही पड़ेगा भाई वरना ये हमें प्रिजन कर देगी भाई यहीं पे। तो सबसे पहले तो हम अपना अटैक पर इंक्रीज करते हैं गाइस। चलो जी इसकी भैंस के भी इसको दिखाता हूँ गाइस, अटैक करने देते हैं इसको इलेक्ट्रिक अटैक भाई साहब कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस अभी हमें इसको हराना ही पड़ेगा, अभी हमें अपनी विंड चैंपियन को भी बचाना पड़ेगा गाइस, अगर ये जीत जाती है तो हम यहाँ पे प्रिजनर हो जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे कैद हो जाएंगे और ये अपनी विंड चैंपियन को भी मार देगी भाई, हम ऐसा होने नहीं दे सकते गाइस। तो चलिए अपना परफॉर्मेंस आजमाते हैं गाइस इसके भैंस की। ओ भाई साहब 1000 का डैमेज, ओ भाई क्या डैमेज मिला है इसको। चलो जी हिलअप क्या है कोई बात नहीं गाइस, फायर क्लॉक से इसको खत्म करते हैं, तेरे भैंस के निकल ऐसे। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया गाइस, इसको हराना इतना आसान था गाइस। ओ भाई दो ही अटैक में भाई, मैंने कहा था ना मैं लेवल बहुत ज्यादा अप कर लिया है गाइस, अभी कोई भी वार्डन आ जाए हम उसको आराम से हरा देंगे। ओ भाई ये भी हरेशन हो जाएगा अभी, कितने आसानी से उसको हरा दिया। ओ भाई धमकी देखे गया, अबे यार हमने इसको इतनी आसानी से हरा दिया भाई, हमारा बहुत ज्यादा हाई है इस लेवल। ओ भाई साहब चलो जी, तो चलो भाई साहब हमें सबसे पहले हमें अपने विंड चैंपियन को ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई साहब 10 डायमंड्स गाइस, बहुत देर से हमें डायमंड्स नहीं मिले थे, अभी जाके मिल रहे हैं भाई, यार बहुत कम मिल रहे हैं गाइस डायमंड्स यार, यहाँ पे जगह नहीं ये गलत है। चलो जी यहाँ से भाई रास्ता किधर है, अच्छा वो यहाँ पे रास्ता था, मुझे लगा वो सामने पेड़ है वो गिरा हुआ था गाइस। चलो जी ये रही गाइस अपनी विंड चैंपियन, तो चलिए इससे बात करते हैं। ओ भाई मतलब इस विंड चैंपियन ने देख लिया गाइस कि सारे ओवर सिर नहीं है, तुम अकेला कैसे लड़ोगे, तुम नहीं जीत सकते ऐसा बोल रही है गाइस। अबे यार अगर गाइस वो नहीं आते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं गाइस, लेकिन हम कैसे लड़ेंगे भाई, लड़ने में बहुत दिक्कत आएगी, अगर सारे ओवर सिर होंगे तो हमें आसानी होगी गाइस।
तो गाइज ओमिक्रॉन को भी किसी ने भेजा होगा गाइज, ऐसा बोल रहा है गाइज अलजहर। तो चलिए भाई, मुझे पता नहीं गाइज ओमिक्रॉन भी तो आया है ना गाइज, हमारे ओमिक्रॉन हमारे दुनिया में आया है, तो पता नहीं इसको किसी ने भेजा होगा। तो चलिए गाइज फिलहाल के लिए तो हम अपने चैम पे वापस चलते हैं, मतलब फॉरेस्ट पे, दूसरों को भी हमें देखना है गाइज। अभी हमें जाने वाले हैं शायद से इलेक्ट्रिक के पास। चलिए भाई पहले तो यहाँ से, अरे यार इंटर कर देंगे यहाँ से। तो भाई बहुत ही सिंपल सा हो गया गाइज ये, मतलब हमने बहुत आसानी से हरा दिया। चलो जी कोई बात नहीं गाइज, फिलहाल के लिए तो हम इलेक्ट्रिक के पास चलते हैं। ये शायद से इसका 7th बेटा है ना, नहीं 6th बेटा है शायद से। अबे भाई हमने इसको इतनी आसानी से हरा दिया ना, क्या ही बताऊँ अभी। चलो जी यहाँ पे बड़ा गड्ढा हो चुका है गाइज, पता नहीं क्या है, थोड़ा हील अप कर लेते हैं। हमारा फायर टाइप थोड़ा सा डैमेज हुआ था ना। चलो जी बहुत बढ़िया, थोड़ा नेक्स्ट नहीं पड़ा है, लेकिन भाई इतने बड़े गड्ढे गड्ढे क्यों पड़े हैं? और यहाँ वो ये छोटा वाला वो से यही पे गाइस, ये भी शायद से नाइटमेयर का ही होगा। तो भाई ये सब कुछ क्या है, जीटा ने गाइस, जीटा आपको याद होगा गाइस ओमिक्रॉन का बेटा है गाइस, और ये उसका इन्फ्लुएंसर है गाइस, मतलब जो भी जीटा के खिलाफ जाएगा ये उसको तो उसको नहीं छोड़ेगा जैसा बोल रहा है गाइस। लेकिन ये पिद्दी सर क्या करेगा भाई, हमेशा तो डर डर के भागता है। ओ भाई तो ये मतलब बच्चा पूछ रहा है, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे हमें, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन रोबोट कह रहा है तुम इसको सबक सिखाओ और अंदर जाओ। ओ भाई साहब, भाई अभी तो मैं रेडी हूँ, मैं इससे लड़ सकता हूँ, इसको हराना उतनी बड़ी बात नहीं है, इस बुद्धू को तो मैं एक झटके में ख़त्म कर दूंगा। चलो भाई करते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी लूट लेता हूँ गाइस। चलो जी, तो भाई ये बहुत उछल रहा है ना, ये छोटा सा मतलब ये बहुत ज़्यादा उछल रहा है गाइस, अभी इसको सबक सिखाता हूँ गाइस। चल आ जा फाइट लड़ते हैं, आ जा। भाई बहुत हंस रहा है, अभी उसका रोना निकालता हूँ। रुको यार, पैसे पूछेगा हमसे, पैसे पूछेगा। अभी तो मैं वार्डन को हरा के आया हूँ 42 लेवल भाई साहब। चलो जी कोई बात नहीं गाइस, फायर वाला किस्मत है तेरे भैंस। ओ भाई ये क्या अटैक। चलो जी देखते हैं दूसरा एग्जाम, निकाल भाई निकाल जल्दी निकाल, सबका मुंह तोड़ूंगा निकाल। ओहो भाई 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 भाई, चलो जी कोई बात नहीं, हम अपना स्प्लैश अटैक करते हैं ना, स्प्लैश अटैक निकल तेरी भैंस की। अबे भाई साहब इसको हम आराम से हरा देंगे यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह भाई ये नॉकआउट हो जाएगा, अभी कोई बात नहीं, फायर वाला आजमाते हैं फिर से। चलो जी नॉकआउट हो जाएगा, मतलब हर एक बंदा आ रहा है कि अटैक करेगा तो नॉकआउट होना ही चाहिए इसको। ओहो ग्रास टाइप का भाई, कितना प्यारा लग रहा है भाई, कहाँ से पकड़ा है इसने इसको यार, मुझे चाहिए गाइस ये, कहाँ पे मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। नहीं सुपर पोशन लो भाई, ज़्यादा हेल्थ नहीं बढ़ेगी वरना, उतना भी नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं। चलो जी फेल हो गया, बहुत बढ़िया, फायर लोग किस्मत हैं गाइस, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है गाइस, मोर सा लग रहा है। यार इसको पकड़ना पड़ेगा यार, मुझे कहाँ पे मिलेगा वो देखना पड़ेगा, अगर मिल जाता है तो ले लूँगा, ये भी अच्छा है लेकिन उतना खास भी नहीं है। ग्रास टाइप है गाइस इसकी भैंस की, तेरे भैंस की निकल यहाँ से। चलो जी डैमेज पता नहीं भाई अब कम मिल रहा है, 1000 तक मिल जाता था। चलो जी अच्छा खासा लेवल अप हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा लेवल अप करने के लिए, अभी क्या कहोगे भाई। ओ भाई भाग गया यार, उसको पकड़ना चाहिए था हमें, वो बता देता है कि जीटा कहाँ पे है। तो चलो जी पहले जीटा को तो ढूंढना ही पड़ेगा हमें, सबसे पहले थोड़ा हील अप कर लेता हूँ भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो भाई साहब थैंक यू सो मच, अभी हम चलते हैं गाइस। तो यार इस बच्चे की मतलब आदत सुधरेगी नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ भाई, अगर कोई रेयर मिल जाता है तो पकड़ लेंगे उसको। ओहो भाई एलिटी टाइप नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो कॉमन को सबको पकड़ूंगा भाई, सारे नेक्समन को पकड़ूंगा, एक दिन पकड़ूंगा, अभी फिलहाल के लिए वक्त नहीं आया गाइस, सबको पकड़ूंगा भाई, हर टाइप के नेक्समन होने चाहिए गाइस हमारे पास। तो फिलहाल के लिए तो मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपना सफ़र भी कंटिन्यू करना है, अभी हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है ना गाइस, तो उसको भी रोकना है ना। चलो जी कॉमन ही मिला जा रहे हैं भाई सब, कोई रेयर वेयर मिलो यार। भाई इसने क्या डिस्ट्रक्शन फैलाई हुई, देख रहे हो यार भाई साहब, लाइटिंग स्ट्राइक से मतलब महंगी तबाही मचा दी है भाई। ओ भाई साहब चलो जी यार, मतलब जीटा बहुत पावरफुल है यार, देख रहे हो इन पे क्या ही तबाही मचा दी है इसने। चलो भाई साहब मुझे लगता है गाइस हम यहाँ के भी वार्डन को आराम से हरा देंगे, तो यहाँ का वार्डन एयर टाइप होगा, तो हमें ग्रास टाइप या फिर ग्राउंड टाइप, हाँ ग्राउंड टाइप को हमें यूज़ करना पड़ेगा। चलो जी आराम से हरा देंगे गाइस हम उसको, मुझे लग रहा है गाइस हम उसको हरा देंगे, क्योंकि हमारा बहुत हाई लेवल है गाइस। यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, पहले यहाँ पे जाके देखता हूँ। चलो जी यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही रास्ता आ गया। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी छोटी इसलिए भी है क्योंकि देखो गाइस अभी मेरे एग्जाम्स भी है, अभी जाके एग्जाम लिखना है गाइस मुझे, अभी अगर आप 8 बजे में अपलोड कर दूंगा 8 बजे ही मेरा एग्जाम है गाइस। तो होप कि आज का एग्जाम सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो भी ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, और रमजान भी है गाइस तो थोड़े रोजे वोजे रखते हैं ना, तो इसीलिए नहीं हो पाता। चलो जी कोई बात नहीं गाइस, होप कि जल्दी ही गाइस पीसी आने वाला है, तो पीसी में माइनक्राफ्ट की वीडियो भी खेलूंगा जल्दी है, सब सारे वीडियोज खेलेंगे।
होप यू गाइस आज की वीडियो को पसंद आएगी, पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं चाहता था कि इसका थोड़ा और पार्ट आए लेकिन आई एम सॉरी गाइस, मोस्ट ऑफ की वीडियो इसलिए डिले हो रही है क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। उसके बाद मैं सुपर वॉल करके स्टोरी लाइन कंटिन्यू करूंगा गाइस, डोंट वरी गाइस। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।